सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में फिर से आप लोगों का जो है एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अभी शुरू किया है वीडियो जावा पे देना। पिछले वीडियो में मैंने रैपर क्लास का इस्तेमाल करके कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल के तरह कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं ये बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जावा में इनपुट कैसे लेंगे। देखिए, जावा में अगर ओल्ड जावा को देखा जाए तो बेसिकली आपके पास डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास था। जावा 7.8 आने के बाद आपके पास स्कैनर क्लास आया। तो ये लंबा वीडियो है, चलेगा। अभी जो है मैं क्लास, ये abc.java है, मैं बस सिर्फ एक इनपुट लेके आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैंने बनाया क्लास एबीसी और मैंने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिंग के, चलिए इस बार के लिख रहा हूँ, और मैंने int i लिख दिया। अब देखिए, आपको इंपोर्ट करना होगा java.io.*, क्योंकि डाटा इनपुट स्ट्रीम नाम का जो क्लास है वो यही है, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे लिख देंगे डाटा इनपुट स्ट्रीम, कहीं स्पेस नहीं है बीच में, dis=new डाटा इनपुट स्ट्रीम system.in, ये आपने एक वेरिएबल ऐसे ही बनाया है। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, इंटीजर लेने से पहले मैं, चलिए स्ट्रिंग का इनपुट ले रहा हूँ, स्ट्रिंग एस। आपको यहां पे लगाना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, आईओ कैपिटल, एक्सेप्शन का ई कैपिटल, ये पहला मेथड है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहां पर आप मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट, एक्चुअली मैं मैसेज यहां दे रहा हूं, चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इंटर एनी स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, इंटर योर नेम, इंटर योर एड्रेस, लाइक दिस। तो आप बहुत आसानी से एस में असाइन कर सकते हैं dis डॉट रीड और लाइन का एल कैपिटल। ये पहले वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। ये एक लाइन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के थ्रोज आई यू एक्सेप्शन, इधर जगह नहीं था इसीलिए मैंने आई यू एक्सेप्शन यहाँ लिखा है। आप लोग इसको कहाँ लिखेंगे, ये ऊपर वाले लाइन में यहाँ है, यहाँ पे करवाइएगा नहीं। उसके बाद आप जो है लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्ट्रिंग इज, या जो भी नेम इज, एड्रेस इज, जो भी आपने लिया है एस। उसके बाद ये आपका बंद हो जाएगा मेन और ये आपका बंद हो जाएगा क्लास, काम हो गया है ना, बहुत आसानी से काम हो गया। अगर आप चाहते हैं, और एक प्रोफेशनल तरीका है कि ये आईओ एक्सेप्शन आप नहीं लगाएं, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन नहीं लगाएं, तो ये वे नंबर वन था, वे नंबर वन में मैंने थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगाया था। वे नंबर टू, जो कि प्रोफेशनल वे है,
इसमें करना क्या है, एक्सेप्शन यहां से जनरेट होगा, इसको ट्राई ब्लॉक में रख दीजिए। कहां तक जनरेट होके जाएगा, यहां तक ट्राई ब्लॉक में रख दिया। उसके बाद यहां कैच, कैच के अंदर कुछ समझ में नहीं आए तो एक्सेप्शन क्लास से एक पैरामीटर पास कर लीजिए। आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, हटाइए, और उसके बाद से ये मेन बंद हो गया और ये क्लास बंद हो गया। ये एंड ऑफ क्लास है, ये एंड ऑफ क्लास है, ये एंड ऑफ क्या है, मेन है, ये आपका एंड ऑफ कैच है, ये आपका एंड ऑफ ट्राई है। ये ट्राई मुझे यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ मैं दे रहा हूँ। ये प्रोफेशनल तरीका हुआ, लेकिन एंड ऑफ ट्राई ठीक है। कैच में आप यहाँ पे मैसेज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शन होगा तो ट्राई ब्लॉक में जिस भी लाइन में एक्सेप्शन होगा वहाँ से कंट्रोल जो है वो सीधा कैच में चला आएगा। एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैचेस भी हो सकता है और आप मैनुअली थ्रो भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैच ब्लॉक के अंदर, वो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी के वीडियो में ये देख लीजिए, ये साफ है। तो स्ट्रिंग के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रीड लाइन जो है, ये रीड लाइन अपने आप में कैपेबल होता है कि आप रीड लाइन के ज़रिए जो भी इनपुट होता है वो स्ट्रिंग टाइप ही होता है। मैं इसका वीडियो सीरीज़ भी डालूँगा। मैंने शुरू का दो वीडियो डाला जिसमें मैंने यहाँ बोर्ड पे डिस्कस किया। उसके बाद मैंने फिर दो से तीन वीडियो डाला जिसमें मैंने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर मैं दो तीन वीडियो ऐसा डालूंगा और फिर इसका प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। कि देखिए ऐसे होता है, ताकि आप लोगों से जहाँ कहीं मिस्टेक हो कंपाइलेशन में वो सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए, ठीक है। तो ये रहा, ये एक चीज़ है। तो रीड लाइन जो है वो ऑलवेज़ क्या करता है, वो ऑलवेज़ स्ट्रिंग का इनपुट ही लेता है, ठीक है। अब आइए, अगर मैं कैरेक्टर का इनपुट लूँ, कैर सी एच वे नंबर वन से, मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा थ्रोज, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आईओ एक्सेप्शन। उस केस में आपको यहाँ ट्राई ब्लॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे इंटर एनी कैरेक्टर, इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सी एच इक्वल्स डी आई एस डॉट रीड, लेकिन ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ मैनुअली कैर और उसके बाद डी आई एस डॉट रीड लिखना होगा। समझिए इस बात को, एक्सप्लिसिटली आपको टाइप कास्ट करना ही होगा। ये जब आपने ट्राई लिखा ही नहीं है तो कैच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सारा चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ, है ही नहीं। तो और उसके बाद यहाँ मैसेज देना होगा कैरेक्टर इज, क्या है आपका कैरेक्टर भाई, सी एच, ये आपका मेन बंद और ये आपका क्लास बंद। तो कैरेक्टर का इनपुट देखिए आप ऐसे ले रहे हैं, ये वे नंबर वन है। अगर कैरेक्टर का इनपुट आप वे नंबर टू से लेना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो यहाँ थ्रोज आईओ एक्सेप्शन मत कीजिए, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ये एंड ऑफ ट्राई हो गया, ये आपका यहाँ एंड ऑफ ट्राई हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंड ऑफ ट्राई। आप उसके बाद यहाँ पे सी कैच, कैच बिल्कुल स्मॉल है, कैच एक्सेप्शन का ई बड़ा है, एक्सेप्शन ई। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ लिख भी सकते हैं, मैं वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें लिख के दिखाऊँगा। फिर ये आपने मेन बंद कर दिया और ये आपका क्लास बंद हो गया ए बी सी।
तो क्या हो गया, ये एंड ऑफ कैच हो गया, ये एंड ऑफ कैच हो गया, ये क्या हो गया, ये एंड ऑफ मेन हो गया, और ये क्या हो गया, ये एंड ऑफ क्लास हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं काम। तो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के मदद से दो तरीके से बताया कि कैसे आप स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं और कैसे आप कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं। कैरेक्टर का इनपुट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैनुअल जो ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ये बहुत ध्यान में से देखना है। और यहाँ रीड लाइन नहीं है, यहाँ सिंपली रीड है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे भी, बेल बटन भी दबाएंगे ताकि सब ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं भी मेहनत बहुत कर रहा हूं, आप लोग भी आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। ओके, बाय।